शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। अरे आप करण की शादी तुड़वाने के पीछे क्यों लगे हुए हैं? एक बार अम्मा का भरोसा जीत लें और करण को खत्म करने के बाद अम्मा को सारा कारोबार हमें सौंपने में जरा भी झिझक नहीं होगी। सर ने बोला था आपको फोन चेक करने के लिए। सर देखो अच्छे है ना, सर इतने सारे कपड़े, वैसे भी तो एक ही बार पहनना है, फिर सारे बक्से में पड़े रहेंगे, क्या फायदा इतने सारे कपड़ों का, और मेरे लिए कुछ लाए आप। तुम चुप रहने के कितने पैसे लोगे? 100, 200, 500 से अब काम नहीं चलेगा, तो बात लाखों में होगी, लाखों में। क्यों माँ? काव्या करण प्रताप सिंह, तू ना अरे अरे तू नहीं कर पा रही, चल मैं कह रही जा। माँ कहाँ गई? यहीं पे तो थी। अरे ये रही। माँ देखो कौन सी वाली अच्छी लग रही है, ये राइट वाली या फिर ये लेफ्ट वाली? राइट वाली अच्छी है। नहीं 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 लेफ्ट वाली नहीं। माँ अब आप ही बताओ ना कौन सी अच्छी लग रही है। वैसे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे ड्रेस के हिसाब से ये लेफ्ट वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये राइट वाली ज्यादा अच्छी लगेगी। तुम्हें जो पसंद हो ना वही पहनना। जीजा जी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतने कपड़ों का करण भी करेंगे क्या, कहीं दुकान खोलने का विचार तो नहीं है? हाँ गांधी मार्केट में, और तू ही उस पे बैठेगा। ये हवेली कौन देखेगा जीजा जी? चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज नहीं बोलना, मेरे पीछे पीछे चलाओ बस। दो कपड़े बेटे, ये कुछ डिजाइन है तुम्हारी मेहंदी की रस्म के लिए, थोड़ा पसंद कर लो। चाची आप लाए मेरे लिए? वाह वंडरफुल, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। एनीथिंग फॉर यू बेटा, तुम पसंद करो। ये ग्रीन है, ये मरून है, ये रेड है और ये ग्रीन। ये येलो और मरून कौन पहनता है मेहंदी में? बेटा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो रही है, कल मेहंदी है और फिर। माँ ये शादी की इतनी सारी रस्मों में से मेहंदी की रस्म इतनी ज्यादा जरूरी क्यों होती है? बेटा हमारे शास्त्रों के हिसाब से नारी के 16 श्रृंगार होते हैं और मेहंदी 16वां श्रृंगार है। माँ अगर शादी में 16 श्रृंगार ना होते तो एक दुल्हन कितनी रूखी सूखी फीकी सी लगती ना, ना कोई रंग ना कोई खुशबू। हाँ वो तो है, लेकिन एक औरत का असली श्रृंगार उसके अंदर छिपा होता है, उसका ममता से भरा हृदय, उसका स्नेह, उसका धैर्य और सब कुछ अपने अंदर समा लेने की शक्ति, और यही श्रृंगार एक औरत को उसकी असली पहचान देता है। माँ आप कितनी सुलझी हुई हैं, पता नहीं मैं कभी आपकी तरह बन पाऊंगी या नहीं। कुछ भी बोलती हो, मैंने कौन सा मेडल जीत लिया है, लेकिन हाँ जब तुम्हारे पप्पा जी किसी बात को लेकर खुश होते हैं ना तो लगता है मैंने सब कुछ जीत लिया। लेकिन देख लेना तुम मुझसे भी अच्छी गृहिणी बनोगी,
तुम्हारे पापा जी के दिए संस्कार है तुम्हें। देख लेना, एक दिन तुम हम सब की पहचान बनोगी। ऋषिका भैया कैसी है? पापा बेटा कुछ रो कुछ रो की और डैडी अब बिगा। अरे भांजी मैं भी हूँ। लोटा मामा कुछ रो कुछ रो। पापा अगर आपको पता नहीं है तो एटलीस्ट मेरा वेट तो करो। भैया कौन से रसम में कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन से जूते पहनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। डन, तुम ही डिसाइड करो। अब क्या है बेटे, हमारी अम्मा ने हमें पढ़ने के लिए दिल्ली तो भेजा नहीं है ना, तो फिर फैशन सेंस कहाँ से आएगी बोलो। अब मैं आ गई हूँ ना, सब संभालूंगी। चुटकी अगर तू एक घंटा और लेट आती ना तो अगले एक साल की तेरी सारी गिफ्ट्स कैंसिल हो जाती। अच्छा तो आप मुझे ये बताइए कि आप हनीमून पर कैसे जाएंगे? वेल, ऋषिका से पंगा लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। थैंक यू। किसकी शादी है और कौन हनीमून पे जा रहा भांजी? लोटा मामा आपकी। मेरी? अरे वाह लोटा, बहुत काम पड़ा हुआ है, जाओ जाओ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं... अच्छा छोड़ो, दर्जी को कपड़े दिए थे ना सीने के लिए, कल तक मिल जाएगा ना? जी पापा। तो जाओ ले के आओ, हम खब टाइम पास करते हो। ऋषिका बेटा, अब करण की शादी की बागडोर तुम्हें संभाल ली, मुझे बहुत काम करना है, बहुत काम निपटाना है, तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, गुड लक, बाय करण। बाय। छुटकी ये बताओ तुम्हारा दिल्ली में वो जो, पहले आप बताइए कि भाभी कौन है, कैसे दिखती हैं, आप लोग कैसे मिले? अरे फोटो फोटो तो होगी ना? फूल फूल फूल, फोटो की जरूरत क्या, कल मेहंदी की रस्म में खुद आ रही है, देख लो सिंपल। I'm so excited. I am sure she must be very nice and pretty. See for yourself. जाएगा ना? हूं करके गर्दन क्या हिला रहे? फिर क्या करना है, कुछ सोचा है आपने? प्यास से जो तुम मुझे शातिर बुलाकर खुश होती हो ना, तो आज हम तुम्हें शातिरपन दिखाने का मौका दे रहे हैं। मतलब जाकर देखो कैसे भी वो अपने हाथ देख ना पाए, और ये तुम्हारे शातिरपन की अग्नि परीक्षा है। एक मिनट याद रहे, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं याद रखूंगी, चलिए। आइए आइए आइए, स्वागत है आप। भानु जी नमस्कार। नमस्कार नहीं चलेगा, गले मिलना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे समधी होने वाले हैं। नमस्ते। नमस्ते 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 पार्वती जी। नमस्ते। पहुंचो। अरे खुश हो। अरे बस बस बस, बस मेरी नहीं। हाँ हाय, कितनी सुंदर लग रही है हमारी होने वाली बहू रानी। थैंक यू भगवान जी, ये सच हुआ है या सपना देख रही हूँ, लेकिन जो भी है उसके लिए थैंक यू भगवान जी। और यस आई यू मेरे दोस्त।
आप सब हमारे साथ चलिए, क्योंकि मेहंदी में आदमियों का क्या काम है ना। चलिए कम विद मी। जी जी। अरे पार्वती जी आइए, मैं आपको जहाँ पर हमारी रस्में होने वाली है जगह दिखाती हूँ। आइए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो इस बड़े से घर को आप अपना ही समझिएगा। वैसे इस जगह काव्या की मेहंदी की रस्म होगी, और वो जगह देख रहे हैं आप? वहां पर करण की मेहंदी की रस्म होगी। कितना सुंदर डेकोरेशन करवाया है करण सर ने, बिल्कुल मेरे सपनों के जैसा। वाओ काव्या, बड़ा ब्यूटीफुल डेकोरेशन। लकी यू। मेहंदी का टारगेट है आयुष्मान, आयुष्मान प्लस सना, परफेक्ट नेम। क्या बात है, जब से हम यहाँ हैं आप किसी को ढूंढ रहे हैं? दादी माँ सच तो ये है ना कि करण और काव्या का पहले से ही चक्कर था। अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करती? मैं उसके शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाती, बड़े धूमधाम से उसकी शादी करती, मगर एक नए वचन के लिए अपने पुराने वचन को नहीं तोड़ती। मेनका जी। जी भवानी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, बाहर गई है क्या? अरे नहीं नहीं, वो अम्मा जी दरअसल किसी जरूरी काम में बिजी हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। आप लोग तब तक बैठिए ना, मैं मेहंदी वाली को बुला कर लाती हूँ। जी क्या हुआ मैं? मुझे लगता है कि भवानी जी अभी भी वो मंदिर वाली बात को लेकर हमसे नाराज हैं। कुछ भी, तभी तो हमसे वो मिलने ही नहीं आई अभी तक। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, सच में बिजी होंगी वो। अभी अब मैं ना एक काम करती हूँ, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। हाँ जो भी बातें हैं ना वो आज ही साफ हो जाए तो अच्छा है, वरना आगे चल के यही छोटी छोटी बातें बड़ी बात बन जाती है। हाँ मैं आती हूँ। नहीं माँ आप रुको, मैं खुद करण सर से बात करती हूँ। अगर दादी के मन में सच में ऐसा कुछ है तो करण सर सब ठीक कर देंगे। ठीक है इस लड़की को कहीं मैंने देखा है, जिधर देखा है सोचना पड़ेगा। पता नहीं कहां गायब हो गए, कहां मिलेंगे करण सर? ये ब्यूटी मुझे अपनी ओर खींच रही है, ये न्यू गिफ्ट है। रॉकी की किस्मत का सितारा। आखिर ये है कौन? Welcome back to Gwalior Rocky.
मगर ये है कौन जिसने तुम्हारी सांसें उड़ा दी? जल्दी करो रॉकी, कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ से चली जाए, तुम्हारा इंट्रो भी ना हो पाए। आयुष्मान सुनो, पापा इतने हैरान परेशान से क्यों दिख रहे हैं? मुझे लगता है अंकल को काबिल पहचानो। कौन? मुझे पता है तुम सना। तुम हर बार कैसे पहचान लेते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? वो क्या है ना, आपकी आवाज ही इतनी सुरीली है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। आयुष्मान थोड़ी देर मेरे साथ चलोगे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक सेल्फी लेनी थी। अभी इतना सज धज के आई हूँ तो एक सेल्फी तो बनती है ना? नहीं, मेरा मूड नहीं है। अरे जाओ ना, मैं अच्छे से कह रही है, सना को भी तो मौका दो ना एक। जाओ। हाँ चलो ना, प्लीज। जाओ बेटा। सर कहाँ गए? दादी वाली बात बतानी है उनको, बहुत जरूरी है। तुम जो भी हो अब मेरी होगी। आयुष्मान इधर आओ बेटा, ये ले जाओ और इस तरफ रख दीजिए। तुम नहीं होते ना तो हमारी हालत खराब हो जाती। कोई बात नहीं अंकल। अच्छा हम देख रहे हैं कि जब से तुम आए हो ना, लगे हुए हो काव्य की हेल्प करने में। अच्छी बात, तुम भी क्या करोगे? लड़की वालों की तरफ से यही कौन तुम्हारे ना? मैं से रख के आता हूँ। हाँ। अरे संभल के आयो, संभल के। अब ठीक है, चलो बताओ कहाँ रखना है ये? कमाल की दोस्ती है आयुष्मान। हम बताएं कि हमारी बहू है ना काव्या, बड़ी भाग्यशाली है। एक तरफ करण जैसा पति मिला और दूसरी तरफ तुम्हारे जैसा दोस्त। थोड़ा दुख तो हो रहा होगा बिछड़ने का। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हम इसे रख के आते हैं। आयुष्मान बेटा एक मिनट, माफ कीजिए, थोड़ा जरूरी काम है। जरूर जरूर। आयुष्मान बेटा। क्या वो आंटी, आप इतनी घबराई हुई क्यों? आयुष्मान बेटा मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और काव्या का कुछ पता नहीं। आप शांत रहिए आंटी, मैं देखता हूँ। लाओ ये सामान मुझे दे। नहीं कोई नहीं आंटी। पृथ्वी, अब पृथ्वी। हाँ आयुष्मान, सारे बॉक्सेस मुझे दे दो, मैं अंदर रख के आती हूँ। थैंक्स सर। पकड़ो ना इसे। मैं? बोलेगा या यूं ही खड़ा रहेगा? सोचा कुछ? क्या बोलेगा?
कि भाई की शादी में इतना देर से क्यों आए? अब देर से आ गया है तो कम से कम गले तो मिल ले। हाँ भैया। So good to see you. अरे वाह क्या बात है, डोले छोले बना लिया, जिम जा रहा है? बस थोड़ा बहुत चले जाते, पर आपकी जितनी कभी नहीं बना पाऊंगा। हाँ सॉरी, मैं तुम दोनों को मिलवाना भूल गया। काव्या, ये मेरा छोटा भाई रॉकी, ये है तुम्हारी होने वाली भाभी काव्या। हाय। नमस्ते। वाह भैया, वैसे भाभी आपको देखकर मेरा मतलब है मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मिलना मिलाना चलता रहेगा, अब जा तैयार हो जा और पहुंच मेहंदी की रस्म में जल्दी। जी भैया। जा जल्दी। वाह काव्या भाभी, आपका देवर बनकर बहुत मजा आएगा। बताओ बात क्या? सर वो बहुत समय से मैं आपको कुछ बताना चाहती थी, पर बार बार भूल जाती हूँ। तो आप बता दो। मैं दादी माँ से पहले भी मिल चुकी हूँ। मिल चुकी हो? कहाँ, कब? करण। आओ मामा। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन क्यों? अरे वो लड़की है ना, मुझे याद आ गई। कौन सी लड़की? कौन सी लड़की मामा? वो लड़की जिसके बारे में आप बोल रहे थे। हाँ। अरे हाँ, ये है, ये वो लड़की, ये काव्या। पहले से पहले मिल चुका हूँ। मिल चुके? कहाँ? मंदिर में। वो लड़की इतनी बदतमीज, मंदिर में सबके सामने एक मामूली लड़की ने हमारे फैसले के विरुद्ध आवाज उठाई। सही कह रही है। तो वो लड़की तुम हो? अरे भाई देखिए, हमारी होने वाली दुल्हन की मेहंदी कैसी लगी है। हे भगवान, इतना बड़ा अपशगुन! के लिखने के लिए कहा था, तुमने ए क्यों लिख दिया? ए फॉर आयुष्मान होता है और के फॉर करण होता है, करण प्रताप सिंह। मेनका, काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।